bell cut. अरे भैया, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल. आप देख रहे हैं आर्य व्लॉग्स. तो यार आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आज हम जाने वाले हैं, ये हमारी सवारी आज की, वैसे तो मैं बता दूं कि मेरी बाइक जो थी वो मैंने सर्विस पे दी थी लॉकडाउन से पहले मैंने वो सर्विस पे दी थी, और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, उसके बाद सबसे अभी तक वो वहीं खड़ी है. तो अभी तक वो ठीक हो गया, वैसे तो आई नहीं है. तो अभी मैं मेरे भैया की एक्टिवा लेके आया हूँ. एक्चुअली मैं कुछ टाइम पहले ना अभी बुक लेके आया था एक, मैं आपको पता है मैं वैशाली में रहता हूँ, तो वहाँ से मैं बुक लेके आया. तो उन्होंने, मैं दो बुक लेके आया, उन्होंने मुझे एक बुक तो मेरी क्लास की दे दी, और जो दूसरी बुक दी थी वो मुझसे पहले वाली क्लास की दे दी. तो अभी मैं वही चेंज करवाने जा रहा हूँ. यार बस चलते हैं, वही बुक चेंज करवाएंगे. अभी कोई प्रॉब्लम वाली बात तो होने वाली है, तो अभी घर वालों ने मुझे अलाउ कर दिया. वह तो बहुत दिन पहले की बात है, क्या पता वो चेंज करें नहीं करें. ये भी देखेंगे चेंज करेंगे या नहीं करेंगे वो बुक को. मेरे हिसाब से तो चेंज कर देना चाहिए उनको बुक को. अभी हम गांधीपत रोड पर ही हैं, चलने वाले हैं, फटाफट से बुक चेंज करवाएंगे. घूमेंगे क्या, घूमने फिरने ऐसा टाइम नहीं है ऐसे तो अभी, बट हम बुक चेंज करवाएंगे, फटाफट से जाएंगे, फटाफट से आएंगे. मम्मी भी वेट करें. तो अभी वैसे मैं शॉप से आया हूँ, घर से नहीं निकला था मैं, शॉप से निकला था मैं, शॉप पे ही था. मैं सोचा चलो बुक चेंज कराने अगर जा ही रहे हैं तो एक ब्लॉग भी बनता है. बॉस वैसे तो बहुत धीरे धीरे चला रहा हूँ. हाल देखा जाए ना तो लॉकडाउन के बाद जो अगर देखा जाए तो जो रिलीज़ हुआ है ना, उसके बाद लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना ख़त्म ही हो गया है. वरना अगर कोरोना के टाइम पे, मतलब हमारी मेडिकल की शॉप है तो हम लोगों को अलाउ था ऐसे जाना आना करना. तो अगर देखा जाए ना तो उस टाइम मैं थोड़ा बहुत निकला था बाहर घर से, अभी मेडिकल की शॉप तो पापा के पास जाता था कभी कभी, तो देखता था कि रोड बिल्कुल पूरी खाली पड़ी होती थी. बट जो थोड़ा बहुत भी रिलीज मिला है तो मुझे ऐसा फील होता है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई कोरोना ख़त्म ही हो गया है. कोई ना, अब देखते हैं क्या होता है. वैसे हिसाब से तो पेशेंट्स रिकवर कर रहे हैं, अब केसेस भी बढ़ रहे हैं, रिकवर भी कर रहे हैं, तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा. बट हाँ, इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए ये भी ज़रूरी था, वरना एक जो देश में अगर हमारे पास हम वैसा ही नहीं होगा. और यार आपको ही पता है कि अगर हमारे जो बहुत सारे डेली वेज अर्नर्स जो हैं हमारे, अगर वो घर बैठ जाएंगे एक दो महीने के लिए, तो उन लोगों के पास इतनी सेविंग्स होती ही नहीं है कि वो लोग, मतलब जो 1.5 महीने तक या 2 महीने तक या 3 महीने तक वो लोग घर पर बैठ के खा सकें. तो जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मैं पूरा पैक होकर आ रखा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मैं पूरा हेलमेट मास्क वास्क सब लगा हुआ है अपना, तो अपना ऐसा कुछ नहीं है, पूरा पैक होकर घर से निकले हैं, ग्लव्स मैंने पहन रखे हैं. तो अभी चल रहे हैं बुक वाले के पास, जल्दी से बुक चेंज कराएंगे उससे. यार बुक चेंज कर देगा तो अच्छा ही होगा थोड़ी सा. अब एक्चुअली पता है थोड़े टाइम से है ना क्लासेस ऑफ हो रखी थी स्कूल की, तो मैं भी सोच रहा था यार कोई ना आराम से करा लेंगे. बट यार अब क्लासेस चालू हो गई हैं, मुझे काम करना है, तो वो बुक मेरे काम आने वाली है. तो हम बुक वही यार अब लेके आनी पड़ेगी, मतलब अब सिर पे पानी सिर से ऊपर जा चुका है तो बुक लेके. एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था, जिन मैं बुक लेने गया था ना, उस दिन ये हुआ कि मैं अपने फ्रेंड के घर से आ रहा था. तो उस टाइम दिन का समय था, धूप ज़्यादा हो रही, तो मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं फटाफट से, मतलब मैं फटाफट से गया, जल्दी मैं था, गर्मी भी लग रही, तो मैं फटाफट से गया बुक लेने, फटाफट से बुक ली. और मैंने चेक भी नहीं किया, सिर्फ उनको नाम बोला कि भैया 12th क्लास की ये बुक निकाल दो, और उन्होंने फटाफट से बुक निकाली हमें को दे दी. मैंने चेक भी नहीं करी कि कौन सी बुक है, मतलब उन्होंने क्लास सही दी है नहीं दी है. मैंने सिर्फ फटाफट से बैग में रखी, उन्हें पैसे दिए, और मैं तो सीधे फरार. जब घर आके अगले दिन देखा मैंने, अगले दिन वो बुक निकाली, क्योंकि उसके अगले दिन से मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली थी. तो अगले दिन जब वो बुक निकाली तो मुझे पता चलता है कि भाई साहब मेरा तो पोपट हो गया. उसके बाद मेरे को पता चला हाँ भाई ये तो मेरे से छोटी क्लास की बुक है, 11th क्लास की बुक है. तो अब कोई ना, वापस जा रहे हैं, करवाते हैं उनसे, लेते हैं दूसरी बुक. करने देना चाहिए उनको रिप्लेस. तो वैसे मैंने कुछ बुक में छेड़खानी तो करी नहीं, ऐसी की ऐसी बुक रख दी थी मैंने जाके, और अब वो काम की नहीं था, मैं उसको यूज़ तो क्या ही करता. क्या जिसको नहीं पता कि मैं पहले DAV में था, मैं एक्चुअली 10th क्लास तक DAV में था. 10th तक मैंने DAV में पढ़ा है पूरा, 11th भी करी है मैंने DAV से. बट फिर हाँ, मैंने स्कूल चेंज कर लिया था, तो वहाँ की स्टडीज़ अब अलग चल रही हैं. एक्चुअली स्पोर्ट्स की वजह से स्कूल चेंज करना पड़ा था, तो स्पोर्ट्स अपना बेस्ट है. जैसे कि आपने मेरी जो मैं नॉर्मल बाइक्स वाली वीडियो उन्होंने देखा होगा, पीछे मेडल्स हैं, तो वो सब आपके भाई के ही हैं, आपके भाई की मेहनत के हैं. तो अभी थोड़ा बंद कर रखा है, फिर से स्टार्ट करेंगे अगर टाइम मेरे को ऐसा लगा कि फिर से मुझे ज़रूरत है. ये देखो भाई साहब, बिना हेलमेट के ये ऐसे घूमते हैं लोग, इन लोगों
लोगों को कब समझ आएगा कि फैशन से ज़्यादा ज़रूरी सेफ्टी है। कोई बात नहीं, बट एक ना एक दिन समझ आ ही जाएगा इन लोगों को भी। जिस दिन समझ आए, मैं तो चाहता हूँ जल्दी समझ आ जाए इन लोगों को, ताकि इन लोगों को ही प्रॉब्लम नहीं होगी यार। एक्चुअली में देखा जाए तो इन लोगों को ही प्रॉब्लम कम होने वाली है। अगर हम पहुँच चुके हैं नेशनल हेडलूम की तरफ, पर मैंने बुक यहाँ से नहीं ली थी। हमको जाना पड़ेगा गली में। गली का रास्ता हो रखा है बंद तो नहीं है गली का रास्ता, यहाँ से रास्ता है थोड़ा सा, यहीं से निकलेंगे यार। फटाफट से चलते हैं, पहुँच गए हम लोग। बुक स्टोर वाले भैया कहाँ हैं? यहाँ हैं बुक स्टोर वाले भैया। गाड़ी लगाते हैं, रास्ता बंद कर दी उन्होंने, गाड़ी रोक के आ रही थी, बताओ कोई बात थी। यार पहुँच गए हम लोग बुक स्टोर वाले भैया पे, चलते हैं फटाफट से। यह द जनता बुक डिपो, तो मिलते हैं आपसे बुक चेंज करवाने के बाद। तो यार फाइनली अपनी बुक चेंज हो चुकी है, वापस चलेंगे घर की तरफ। तो यार जो लोग जयपुर में आने वाले हैं, चित्रकूट स्टेडियम नहीं देखा है, तो वहाँ से होते हुए मैं निकालूँगा बाइक चलाते चलाते। तो वहीं से निकलेगी अपनी एक्टिवा। तो जिन्होंने चित्रकूट स्टेडियम नहीं देखा उनको देखने को मिल जाएगा, और जिन्होंने नेशनल हैंडलूम भी नहीं देखा उनको नेशनल हैंडलूम भी दिखाई देता हूँ मैं। चलो तो यार जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा शायद कैमरा में, ये रहा अपना नेशनल हैंडलूम वाली रोड। मतलब यार पूरी लग ही नहीं रहा है, लॉकडाउन है, लग ही नहीं रहा है, कोरोना चल रहा है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। उतनी भीड़ देखने को मिल रही है, मतलब लगता है गर्मी के टाइम में इसे थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आप प्रिकॉशन रखेंगे, सेफ्टी रखेंगे, आप सही रहेंगे, या और क्या चाहिए आपके भाई को, और क्या चाहिए। मेरी फैमिली जो यूट्यूब की, जो मतलब अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, मानता हूँ, बट हाँ यार छोटी सी तो है ना, जितने भी हैं तो ना, ज़ीरो तो नहीं है ना, कुछ तो है ना। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ओहो आज तो कोटेशन निकल रही है। तो यार पहुंच चुके हैं, चलो छोड़ो यार ये सारी बातें होती रहेंगी। तो ये तो पहुंच चुके हैं हम चित्रकूट स्टेडियम की तरफ। तो जिसको चित्रकूट स्टेडियम की याद आ रही थी, जिसने नहीं देखा चित्रकूट स्टेडियम या बहुत दिनों से नहीं आया, भाई साहब देख लेना चित्रकूट स्टेडियम, नज़ारा दिखा दूंगा आपको चित्रकूट स्टेडियम का। मैं अंदर से तो नहीं दिखाऊंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर से ही चलूंगा, क्या पता भाई क्या चल रहा है अंदर। तो देख लो भाई चित्रकूट स्टेडियम, जो जयपुर के वैशाली के हैं चित्रकूट स्टेडियम आते थे, देख लो भाई ऐसा लग रहा है चित्रकूट स्टेडियम। दुकानें वुकानें सब खुल चुकी हैं, आइसक्रीम वाले सब आ गए हैं वापस से, थाना फिर से चालू हो गया, थाना तो चालू ही था मतलब। और यार अंदर अगर देखा जाए तो अंदर तो लोग भी आए लग गए यार चित्रकूट स्टेडियम में, सही है यार। बताओ हम ही ऐसे रह गए क्या यार? मतलब मेरे को लिटरली मतलब ऐसा लगने लगा कि लोगों के अंदर से डर निकल गया है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हाँ हर चीज़ से डर के नहीं हमेशा नहीं रहा जा सकता, हमें भी पता है, बट यार आपके मन में वो रहना चाहिए कि यार ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, या ये चीज़ हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि जो अपनी खुद केयर करता है ना वो सबसे बेस्ट है। अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, मतलब यार आप खुद ही की केयर ना करो तो यार अभी तो आपको पता ही ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें आपको खुद की केयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तो हम चित्रकूट स्टेडियम आप लोगों को दिखा दिया, अभी चलते हैं फिर से गांधी पथ रोड की तरफ। यार ये रोड है ना वैसे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो रोड है मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी यादें हैं मेरी इस रोड से, अब वैसे शेयर करने लायक तो नहीं है, बट हाँ यार समझो आप लोग, यादें होती हैं, सबकी यादें होती हैं, कुछ होती हैं। तो मेरी भी इस रोड से बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है इस रोड पर। तो यार वैसे तो है ना मतलब टाइम तो बहुत सारी जगहों पर स्पेंड किया है, बट हाँ ये रोड भी बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमने बहुत इन्जॉयमेंट किया है। देख रहे हो ना पहुंचने वाले हैं गांधी पथ पे। तो यार जैसे कि मतलब मैंने ये चैनल मैंने अभी स्टार्ट किया, तो मतलब हाँ मैं मानता हूँ कि अभी इतना कुछ नहीं है या मेरे पास इतना कुछ दिखाने को नहीं होता है ऐसे यार, मतलब हाँ अभी कोविड चल रहा है तो उसके चक्कर में बहुत सारों के पास बहुत कुछ दिखाने को नहीं है अभी। बट स्टिल यार मतलब मैंने सोचा कि बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर
अभी ये से सोच लो क्या अभी सभी के साथ हो रहा है तो हम भी कैसे करेंगे, या सबको प्रॉब्लम आ रही है तो हमको भी प्रॉब्लम आएगी। तो यार ये सोच लेता तो अभी मैंने है ना जो छोटी सी फैमिली है ना मेरी, शायद तक वो भी नहीं होती, जो छोटी सी एक मेरी फैमिली बन चुकी है यूज सब्सक्राइबर्स की मेरे, जो लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, लोग जो मुझे देखते हैं या जो जो मेरे दोस्त हैं जो मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं मेरे बोलने पे नहीं, मतलब हाँ शुरू में बोला था बट उसके बाद वो अपने आप लाइक कर देते हैं। यार वो जो वो एक वो छोटा सा कनेक्शन बना है ना, वो शायद तक वो भी एक छोटा सा भी कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ होता अभी तक। तो यार मतलब मेन मोटिव यही था ये बात बताने का, कभी मतलब है ना शुरुआत करने का कभी कोई टाइम नहीं होता यार, कि आप यार मैं मतलब यार अभी टाइम नहीं है शुरू करने का, अभी शुरू करने का टाइम नहीं है। जब आपको सही लगे ना, जब आपको सही लगे कि यार ये टाइम मुझे सही लग रहा है स्टार्ट करने के लिए, तब अच्छा काम स्टार्ट करो, क्योंकि अच्छा काम स्टार्ट करने का है ना कोई टाइम नहीं होता। ये देखो वो अंकल, पहले आप निकल जाओ, मैं बाद में सो जाएगा। तो मैं बताया था अच्छा टाइम स्टार्ट करने का, अच्छा काम स्टार्ट करने का कोई टाइम नहीं होता, अच्छा काम मतलब यार कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है, और है ना उससे सिर्फ भलाई होता है। आपको पता है मतलब चलो मेरी ये छोटी सी फैमिली है या छोटा सा कुछ भी है, आज जितने भी थोड़े वो सब्सक्राइबर मैंने गेन किए हैं वो कम ही है, बट है, ऐसा नहीं कि मैं खाली हूँ या मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट हाँ है थोड़े बहुत सब्सक्राइबर मेरे पास है। यार फाइनली हमने पुलिया क्रॉस कर ली, गांधीपत रोड पर वापस आ चुके हैं, बुक चेंज हो चुकी है। तो यार देखो हवा चल रही है, आपको विंड नॉइस आ रही होगी, अगर आपको विंड नॉइस आ रही है तो यार उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अभी के लिए, बट हाँ थोड़ा टाइम में अपग्रेड करेंगे, थोड़ा सामान अपना थोड़ा अपने खर्चा करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि यार कंटिन्यू तो करना ही है अपने को, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए या टाइम पास के लिए। मैं सोच रहा था, बहुत टाइम से सोच रहा था, पर मैं पर जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैं सही टाइम के लिए सोच रहा था, सही टाइम अब आएगा, बट वो सही टाइम मुझे ही लग रहा था कि आने वाला था या आएगा। मैंने सोचा कि जो है ना उसी को सही बना देते हैं, जो टाइम अभी है उसी को सही बना देते, अरे भैया जी जो टाइम अभी है उसी को सही बना देते, मैंने ऐसा सोचा। कोई बात नहीं, बट अब हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बाकी सब आप लोगों के ऊपर है। यार हाँ मैं एक और बात बताने वाला था कि यार जो मेरे व्यूज़ आ रहे हैं ना, जो मतलब व्यूज़ हैं उस पर है ना, मतलब लगभग 52% या 54% लोग ऐसे ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप देखते हो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, लाइक करने से कुछ नहीं होगा, सब्सक्राइब भी कर दो, हमको फैमिली हमारी बड़ी करनी है, अभी छोटी सी फैमिली है अपनी, बड़ी फैमिली करनी है अपने को, तो ऐसे ही होगी धीरे धीरे फैमिली बड़ी होगी अपनी। तो यार अभी तो अपने को टाल लेना है, अपने शॉप पे आ चुके हैं, तो शॉप पे तो इसको नहीं पता हमारी शॉप है गांधीपत रोड पे बाजदेव मेडिकल स्टोर के नाम से। तो हमारी एक्चुअली दो शॉप है इस रोड पे, तो ये वाली सबसे पुरानी, इस पर मैं अभी आपको लेके जाने वाला हूँ, ये वाली इस रोड की सबसे पुरानी मेडिकल शॉप है, सबसे पुरानी शॉप नहीं है सबसे पुरानी मेडिकल शॉप है। तो हम पहुँच चुके हैं वापस, ये रही हमारी शॉप, गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग पे तो क्या मतलब साइड में लगाते हैं गाड़ी। यार चलो आज के लिए ब्लॉग में, आज की वीडियो में इतना ही था, जाने वाले थे आ गए वापस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।